तो क्लैट के अंदर जो ओवरऑल वेटेज है दैट इज 10% ऑफ द पेपर, ओके, विच इज नथिंग बट 10 to 14 क्वेश्चन का रेंज उन्होंने दिया हुआ है, राइट, विच इज नथिंग बट 10% ऑफ पेपर. सो व्हाट वी विल डू, हमें ये 10 to 14 में से ट्राई करना है 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन प्लस या 10 क्वेश्चन प्लस अपने राइट हो, ठीक है. क्लैट के अंदर थोड़ा अपने को यह समझना है कि जो क्वेश्चन आएंगे दैट विल नॉट बी वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे. इट विल बी मोर ऑफ अ डीआई बेस्ड, डीआई प्लस केसलेट काइंड ऑफ क्वांट दे विल बी आस्किंग. चार मेजर टॉपिक इसके अंदर पूछेंगे वो आपसे, आई मीन जिसका एप्लीकेशन यूज होगा. एक तो है परसेंटेज, दूसरा है रेशो, उसके बाद है आपका एवरेज एंड एक स्पीड कैलकुलेशन. थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस भी करके ले लोगे तो बेटर है, ठीक है. तो ये आपका मेनली इसके एप्लीकेशन यूज होंगे आपके क्वेश्चन में. नाउ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगने का रीजन ये होगा कि पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया हुआ है, आठ आठ नौ नौ लाइन के पैराग्राफ, मतलब मोर ऑफ इट इज अ डीआई बेस्ड क्वेश्चन, इसीलिए अपने को कौन टफ लगता है, ठीक है. बट सारे क्वेश्चन उसी फैशन में रहने वाले हैं, तो अगर आप हर क्वेश्चन को स्किप करते जाओगे, छोड़ते जाओगे, तो फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगा. फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे या पूरा सेक्शन छोड़ने के बारे में सोचोगे, तो वो नहीं करना है. आपके क्लैट 23 के भी क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं, उसमें से एक सेट दो सेट आप आराम से बना सकते थे, 5 6 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गया हुआ है. यू कैन इजिली मार्क दोज आंसर्स, ठीक है. पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देखेंगे परसेंटेज का, बिकॉज वो डोमिनेटिंग एरिया है सारे सेक्शन में. थोड़ा बहुत बेसिक एवरेज सबको पता होना चाहिए, ठीक है. और एक मेरा सजेशन है कि 2022-2023 का जो पेपर है उसके कौन के सेक्शन को कम से कम 2 to 3 टाइम सॉल्व कर डालो, बट रोट लर्निंग मत करो, रट्टा मत मारो, सिर्फ देखो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना होता था और अभी मैं कैसे कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है. तो जो आपको नेक्स्ट रिमेनिंग डेज है एग्जाम को लेके, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए अच्छे से, फ्रैक्शन पार्ट. ये चार्ट अगर हमें बाय हार्ट है तो डिसेंट लेवल पे, चलो ठीक है कि यहाँ तक का डेटा नहीं क्लियर है, बट ये तो 1 to 1/10 तक पता होना चाहिए. और ये पूरा चार्ट अगर याद होगा तो दैट विल बी इट विल बी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशन, ओके. जैसे 1 आपका होता है 100%, ठीक है, इसी 100 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 50%. तो 1/2, 1/3, 33.33%, मतलब मैंने 100 को यहाँ पे 100 को 3 से डिवाइड किया है तो मुझे ये वैल्यू मिली है. वैसे 1/4, 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16.66%, 1/7, 14.28%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11.11%, 1/10 इज नथिंग बट 10%. ये चार्ट कितने लोग को याद है, कितने लोग को ये चार्ट याद है, कितने लोग ने माइंडसेट बनाया कि मैं तो क्वांट छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, या तो आपका फर्स्ट लेक्चर में ही ये चार्ट को डिस्कस करते हैं, राइट, कि ये चार्ट तो अपने को प्रिपेयर करना है. तो ये अपने को पता होना चाहिए. लाइकवाइज 1/11 इज 9.09%, 1/12 इज 8.33, 1/13 एंड लाइक सो ऑन, ठीक है. तो ये वाला इतना मतलब याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ये तो आपको थरली याद होना चाहिए. इसका रीजन बता रहा हूं, अगर हमें वैल्यू दे दी है, अगर आपसे पूछा है कि लेट से कि 240 का है ना, मुझे 240 का 25%, 24 25% ऑफ 240, 25% ऑफ 240 अगर ये पूछा, तब मैं ये नहीं करते बैठूंगा 25/100 इनटू 240, फिर ये कटेगा इससे, फिर ये 5 5 जा, ये 5 2 जा, ठीक है, ये हो गया 5 2 जा, और ये फिर 2 1 जा, 2 2 जा, आंसर आ गया 60. ये तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, आपको क्या करना है, 240 को सीधा 25% क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 25% होता है 1/4, तो सीधा 60 खत्म. सो दिस इज हाउ दिस वैल्यू विल वर्क, ठीक है. तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे आपके डीआई बेस क्वांट प्लस डीआई कॉम्बिनेशन, एक्चुअली क्वांट तो उन्होंने स्ट्रेट अवे क्वांट बोला ही नहीं है, सारे क्वेश्चन केसलेट प्लस डीआई. मेरे लिए क्लैट का जो क्वांट का सेक्शन है वो है केसलेट प्लस डीआई, और इसके अंदर अरिथमेटिक का एप्लीकेशन यूज कर दिया, बात खत्म, यही है, ठीक है. सो परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कुछ भी ऐसा पूछ रहा है
तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। 1990, इन द ईयर 1990 पर्टिकुलर विलेज का जो पॉपुलेशन था वो था 200। 1991 में पॉपुलेशन हो गई लेट्स से 240। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द चेंज इन पॉपुलेशन, व्हाट इज द चेंज इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, या यहाँ पे बोलो व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज, व्हाट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू। तो 200 वॉज द वैल्यू, नाउ इट इंक्रीज टू 240, सो ऑब्वियसली इट इज गेटिंग इंक्रीज, राइट? ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो दिस वैल्यू विल बी माई फाइनल वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी माई इनिशियल वैल्यू। इसको बोलेंगे अपन इनिशियल वैल्यू एंड दिस विल बी व्हाट, फाइनल वैल्यू। ठीक है, टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, दिस इज व्हाट अ जनरल फॉर्मूला यू हैव टू यूज। फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू है मेरी 240, ठीक है, इनिशियल वैल्यू है मेरी 200 अपॉन, ये हो गया मेरा इनिशियल वैल्यू जो कि था 200 इंटू 100, डिफरेंस कितना आ गया 40 अपॉन 200 इंटू 100, राइट? क्लियर है? तो 4 1 4 5 20%। सो यहाँ से 1990 से 1991 में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो 20% से इंक्रीज हुआ है, ये क्लियर है सबको? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी, मैं आपको बेस आपका क्लियर कर रहा हूँ कि हाँ ये सब एप्लीकेशन यूज करने वाला है अभी आगे के क्वेश्चन में, और कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड। इज दिस क्लियर? एनी वन हैव एनी डाउट कि मैंने यहाँ पे क्या किया? क्योंकि ये इसके बेसिस पे फॉर श्योर आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाला है, या मे बी मोर देन दैट। सो अगर यही वैल्यू मेरी जैसे 1991 में 240 की जगह पे ये हो गया होता मेरा 160, तो पॉपुलेशन ड्रॉप हो गई, पहले था 200, अब क्या हुआ, अब 160 हो गया। अब ये क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है बट परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, चेंज तो है परसेंटेज के अंदर बट डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि पॉपुलेशन डाउन हो गई। तो अगेन सेम चीज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, तो क्या करोगे आप, फाइनल में 160 है तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, ये 200 था और ये कितना है 160 है, डिफरेंस कितना है फिर से 40 ही है, और इनिशियल वैल्यू तो 200 ही थी इंटू 100। तो फिर अब इस केस में क्या होगा, 20% जो आएगा वो डाउनफॉल डिक्रीज आएगा, और ये 20% जो आया था वो इंक्रीज आया था, समझ रहे है ना? अभी आप 160 की जगह अगर ये 180 हो जाता तो भी परसेंटेज डिक्रीज, पॉपुलेशन गिरी है, पहले 200 थी अभी 180 हो गई है, यस? तो दोनों के 200 माइनस 180 मतलब यार 180, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 का है, इनिशियल वैल्यू अभी भी 200 ही है, तो ये कितना 10% डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, मुझे 2 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, फटाफट सॉल्व करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, 48 को इंक्रीज करना है किससे, 37.5 से, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मुझे आंसर पोस्ट करो। देखो 48 को इंक्रीज करना है 37.5 से, तो हम कैसा कर सकते हैं, 48 का 37.5 निकाल लेते हैं, 48 का 37.5 अपॉन 100, 100 अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो इट विल टेक टाइम, ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है अपने को, आंसर आएगा बट टाइम लगेगा। अपने को 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, देखो 0.5 लगा है तो एक ही वैल्यू है 1/8, जिसका वैल्यू होता है 0.5 में 12.5, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट 37.5, तो मुझे यहाँ पे भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये जो 37.5 है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी, 3/8 है। अगेन वो जो मैंने चार्ट बताया था अगर वो पता होगा तो यहाँ पे काम बनेगा, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम। अगर एग्जाम में आपने क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो मतलब क्वेश्चन को आपने पक्का कोई गलत मेथड से सॉल्व कर रहे हो, इसलिए टाइम लग रहा है, सिंपल। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, ट्रिक्स है जो आपका टाइम सेव करेगी एग्जाम में। ठीक है, तो इंक्रीज 48 बाय 37.5%, अब मुझे पता है कि इंक्रीज करना है ना, तो एक तो है कि मैं 48 का 3/8 निकाल लूं, 6 जा 6 3 जा 18, और 48 में ऐड कर दूं, आंसर कितना आ गया 66। गाइज आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन, सो अगर आप आंसर पोस्ट करोगे तो वुड बी बेटर, समझ में आएगा कि कितना हम लोग किस स्पेस में चल रहे हैं।
सो इट विल बी टू वे प्रिपरेशन, टू वे डिस्कशन, ठीक है? तो आप लोग भी आंसर अपने पोस्ट करो। 48 का मैंने क्या किया, 37.5% जो था 3/8 वो निकाला मैंने, वो जो कि आया 18, है ना, और उसको मैंने ऐड कर दिया इस 48 में। अब ये वैल्यू आ गई 66, मतलब 38 को 48 को मैं 37.5 से इंक्रीज करूंगा, तो ये बन जाए, पहले 48 था अब बन गया वो 66। जब मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीज करना है किसको, 37.5 को परसेंटेज से, मतलब वैल्यू मेरी 100 है, उसको मुझे इंक्रीज करके कितना बनाना है, 100 + 37.5, तो मतलब कितना बनेगा ये, 137.5। तो ये जो वैल्यू आई 66 वो है आपकी 137.5, और इनिशियल वैल्यू जो 48 थी दिस वाज योर 100, 100 इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज बोल लो या 100% बोलो, ठीक है? अभी मैं क्लैट लेवल पे नहीं आया हूँ, अभी मैं सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम कर रहा हूँ। ये सही क्लियर होगा अपने को तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बट हाँ इसका एप्लीकेशन यूज होने वाला है ना? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो मुझे 60 को 25% से इंक्रीज करके बताओ, इसका आंसर पोस्ट करो। इंक्रीज 60 by 25% एंड पोस्ट योर आंसर। चलो 30 सेकंड का टाइम चालू। 60 को मुझे इंक्रीज करना है 25% से, मुझे बताया 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 25%, 1/4। यस, तो ये कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 5 जा, तो 15 आ गया, मतलब 60 का भी 25% आया है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 100% + 25%। 100% तो मुझे पता है वो क्या है, मेरा 60 है, 25% तो अभी निकाला मैंने वो क्या था, 15 था, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो आंसर इज 75, समझा? अब ये क्या है कि 37.5, 25.25%, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हम डील कर पा रहे हैं फ्रैक्शन के टर्म में। व्हाट इफ जो परसेंटेज है, जैसे ये 25% है, ये 37.5% है, अगर इसकी जगह पे ऐसा ऑड नंबर आ जाए या ऑड परसेंटेज आ जाए जो कि इसका फ्रैक्शन होता ही नहीं है, तब क्या करोगे? जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, 27% इंक्रीज 1200 by 27%, अब 27% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता, तब क्या करोगे? चलो 30 सेकेंड दे रहा हूँ, आंसर पोस्ट करो फिर मैं बताता हूँ। देखो मुझे 1200 का 37% निकालना है, ठीक है? एक तरीका तो बहुत स्ट्रेट अवे है कि 1200 है, इसमें 27% निकाल लेता हूँ, जब कुछ नहीं आता तो इससे बेस्ट तो कुछ नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है? और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 12 7 जा 84, 8 कैरी 24, 12 जा 4, और इसमें 1200 में ऐड कर दो, इंक्रीज करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4251, 1583। दिस इज अ वन वे टू डील विद दिस क्वेश्चन, विच इज नॉट नॉट अ रॉन्ग वे, यू कैन डू इट। दूसरा तरीका जो तरीका है जो मेरा है वो ये है कि 1200 जो है वो मेरा 100% है, ठीक है? व्हाट विल बी द 10% ऑफ दिस 1200, 120, 1% कितना होगा, 12, ठीक है? 1200 मेरा 100% है, 120 मेरा 10% हुआ, एंड मतलब कुछ नहीं किया, मैं एक एक डेसिमल शिफ्ट करते गया हूँ और कुछ नहीं, पहले एक डेसिमल इधर लगाया एंड देन 1% इज 12। मुझे क्या निकालना है, 27% निकालना है, तो 27 को मैं 20 + 7% लिख सकता हूँ, ठीक है? 10% मुझे पता है कि 120 है ना, तो इनटू 2 करूंगा तो मेरे को 20% मिल जाएगा, ये तो मतलब इंटू 2 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड के तो लेफ्ट हैंड साइड भी, तो ये कितना आ गया, 240, ये वैल्यू आ गई मेरी 240। अब 7% निकालना है, 1% मुझे पता है 12 होता है, तो 7% मतलब इंटू 7 करूंगा तो 7% निकलेगा, तो इंटू 7 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 84। यस, सो ये कितना हो गया, 240, ये हो गया आपका 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, 324 जो कि वैल्यू इधर आई है। दोनों में से जल्दी जो भी काम करेगा, अभी ये मेथड अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको लगेगा कि यार ये वाला सही है, बट यहाँ पे 1200 की जगह थोड़ा अजीब सा नंबर हो जाएगा तब ये करने में प्रॉब्लम आएगी, आई मीन कैलकुलेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हो, या बट पता होना चाहिए कि ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है जो आपको दिया है ये परसेंटेज, तब आपको इस तरह से डील करना है या तो फिर ऐसे डील कर लो। अगर ऑप्शन दूर है एग्जाम के अंदर,
आई रिपीट, अगर ऑप्शन दूर है एग्जाम के अंदर, तब आप इसको ये कर सकते हो, इसको राउंड ऑफ कर दो। ये 27% है तो अप्रॉक्सिमेटली इसको 25%, मतलब 1/4 से डील कर लिया। चलो करके देखते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो कि ऑप्शन, जो कि सिचुएशन एंड क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। टाइम कम है और क्वेश्चन दूर दूर ऑप्शन है, तब जाना है। देखो 1200 हो गया 1200, मैंने 27 को राउंड ऑफ कर दिया 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4, तो ये कितना आ रहा है? 300 आ रहा है, आएगा ही ना, बिकॉज मैंने 27 को रिड्यूस कर दिया 25 से। नहीं तो आइडली ये नियर टू 324 नहीं है, अभी 24 कम है। अगर ऑप्शन में 100-200 से डिफरेंस है, तब आप ये भी कर सकते हो। तो आप 1200 प्लस 3, तो आंसर जो भी आएगा 1200 प्लस 300, वो 1500 से प्लस ही आएगा। बस ऑप्शन वही देख के मार्क करके निकल जाना है। तो ये आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस समझ में आनी चाहिए कि मैं, ठीक है ये फ्रैक्शन वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं है, बट मैं इसको अप नियर टू कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है कैसे डील करना है एग्जाम में? तो इट इज ऑल अबाउट थोड़ा जुआड़, थोड़ा स्ट्रैटेजी, थोड़ा शॉर्टकट, और आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम एक्टिव रहना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर आई मीन टू से, जो प्रेजेंट प्रेजेंट माइंड एकदम एक्टिव रहना चाहिए। यार इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आपको 3-4 तरीके से सोल्यूशन दिखना चाहिए, ये चाहिए आपको। जब ये आएगा आपके अंदर, तब आपको क्वांट का टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। हाँ, आउट ऑफ 10 to 14 क्वेश्चन जो भी आएंगे, उसमें एक सेट टफ होगा जो एनीवे आपका टाइम लेने वाला है। तो यू हैव टू डिसाइड विच वन आई हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड विच वन आई हैव टू सॉल्व इन द लास्ट, और वो ग्रेजुअली होगा, ठीक है। चलो डिक्रीज दिस, अभी हम डिक्रीज वाले पे बात करते हैं, अभी तो हमने इंक्रीज किया, आप डिक्रीज वाले पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट्स हम और बेसिक करेंगे, देन वी जंप टू द क्लैट लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। बट ये क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। तो मुझे 63 को कम करना है 66.66 से, बेसिकली 100 को माइनस करना है 66.66, तो बचेगा कितना? 33.33 तो बचने वाला है। तो कैन आई से मुझे 63 का 1/3 निकाल देना है, क्योंकि 33.3 तो 1/3 होता है, तो 21। बहुत लोग ये भी करेंगे कि यार 63 का 66.66, अब 66.66 क्या होता है ये नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। इफ यू नो 1/3 इज 33.33, इफ यू मल्टीप्लाई इट हेयर राइट हैंड साइड, यू विल गेट 66.66 एज आंसर। तो यहाँ पे भी तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इसका 2/3 तो आ गया 42। मतलब 63 में से ये 42 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 21। अब इतना तामझाम नहीं करने से अच्छा मैंने ये शॉर्टकट कर दिया, काम बन गया, 1/3 निकाल दिया मैंने। तो पहले वाले में हम इंक्रीज कर रहे थे, अब हम डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सिंपल। चलो मुझे इसका आंसर पोस्ट करो। 160 को डिक्रीज करना है 12.5 से, कैसे करोगे? तो 160 का अब आपको पता होना चाहिए, 12.5 इज नथिंग बट 1/8, तो ये आ गया 20। अब डिक्रीज करना है, बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये दिस इज माई 100% माइनस 12.5%, तो आपसे पूछ कितना रहा है? 87.5% निकालना है। या तो आप 87.5 परसेंट डायरेक्टली निकाल लो, या तो आप 12.5% निकाल के इसमें से माइनस कर दो। तो मैंने वही किया है, 160 माइनस 12.5 कितना आ गया? 20 आ गया, तो आंसर कितना आ गया? 140। समझ रहा है, इजी। इसका आंसर क्या होगा? 800 को डिक्रीज करो 60% से, 800 को डिक्रीज करना है ना, तो 800 को 60% से डिक्रीज करना है, मतलब 800 मेरा 100% है, इसको डिक्रीज करना है 60% से, तो आएगा कितना? या तो मैं 40% निकाल लूँ, 800 का मेरा आंसर हो जाएगा, या तो मैं 60% निकाल के 800 में से माइनस करूं। ज्यादा इजी तो मुझे यही लग रहा है कि 40% निकाल के काम हो गया, तो 800 का 40%, देखो अपॉन में 100, अगर आपको पता होता तो 40% इज नथिंग बट 2/5 तो काम होता। 2/5 कैसे? देखो ये कट गया, 2 2 जाए 2 5 जा 2 5, 2/5 तो ये कितना आएगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा आंसर आएगा 320। इजी, ओके। सॉल्व दिस क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम। द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2000, इफ आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन बिकम्स 2500, देन द व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। बेसिकली पहले 2000 थी और अब हुई है 2500, कितने से जंप है? 500 से जंप है। तो अगेन 500 का जंप है किसके ऊपर? 2000 के ऊपर, इनटू 100, दिस गेट कैंसल, राइट 25%। 500 का जंप है किसके ऊपर? है 200 के ऊपर, इनिशियल वैल्यू थी 2000, फाइनल वैल्यू हुई 2500, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज का, ठीक है। ओके सॉल्व दिस वन।
अगेन 30 सेकेंड का टाइम। ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। तो अपने पास ए बी और सी तीन लोग हैं, और बोल और ए और सी बी की वैल्यू डिपेंडेंट किसके ऊपर है, सी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सी की वैल्यू अज्यूम करेंगे फिर अपन यहाँ पे। तो ऐसे दिमाग लगाना है कि सी किस बाकी के वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ए 50% लार्जर देन सी है, तो अगर सी 100 लिया हमने तो ये होगा 150। यस, बी इज 25% लार्जर देन सी, अगर ये 100 है तो बी 25% लार्जर है तो ये होगा 125। बोला कि ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, देन के बाद क्या आ रहा है, बी। कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में बी आएगा, राइट। तो जो ए है वो कितना परसेंट लार्जर है, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 है, राइट। और बी की वैल्यू है 125 × 100, दिस इज 5 जा, कितना 20%। ओके चलो, तो ये कंपैरिजन कैलकुलेशन परसेंटेज ये पता होना चाहिए। ओके अब आते हैं हम केसलेट सॉर्ट ऑफ डीआई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देख के डरना नहीं है, मैं हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा, आपको रीड करके समझना है और फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केसलेट सॉर्ट ऑफ डीआई, तो मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, एंड सॉल्व करो इसको, ठीक है। एंड मतलब इसमें ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले आप ये ड्रॉ कर लो, ये इंफॉर्मेशन समझ, क्या करना है आपको, क्वेश्चन को रीड करना है, डेटा कलेक्ट करना है, और डेटा को जो आपका टेम्पलेट है उसमें डिजाइन करना है, जो भी आपका टेबल बनाओगे आप उसके अंदर पुट इन करना है, तब हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन के लिए मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अच्छे से रीड करो, आपका टेबल बनाओ, देन विल सॉल्व टुगेदर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इजी टू मॉडरेट लेवल का डीआई सॉर्ट ऑफ है, मतलब बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझते क्या बोल रहे हैं। देर आर टू ट्रेन्स, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, बोथ ट्रेन्स हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस, जनरल कोच है, स्लीपर कोच है, फर्स्ट क्लास कोच एंड एसी कोचेस, ठीक है। इन ट्रेन ए देर आर टोटल 700 पैसेंजर, ठीक है। तो एंड ट्रेन बी हैज 30% मोर पैसेंजर देन ट्रेन ए, तो अपन को पहले तो टेम्पलेट ड्रॉ करना पड़ेगा, व्हाट विल बी द राइट टेम्पलेट हेयर। तो अपने पास है ट्रेन ए, ठीक है, एंड ट्रेन बी, और यहाँ पे है कोचेस, है ना, जनरल कोच है, स्लीपर कोच है, फर्स्ट क्लास कोच है, एसी कोच है, ठीक है। बाकी की इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि ट्रेन देयर इन ट्रेन ए देयर आर टोटल 700 पैसेंजर, ट्रेन ए के अंदर 700 पैसेंजर है, ठीक है। ट्रेन बी के अंदर, ठीक है, ट्रेन बी के अंदर, ट्रेन बी हैज 30% मोर पैसेंजर देन ए, तो 700 का 30% निकालना पड़ेगा मुझे, कितना होगा 30%, 210 + 700। अभी हम वापस से क्या कर रहे हैं, 30% इंक्रीज कर रहे हैं ना 700 को, तो कितना हो गया ये 910, ठीक है। तो ट्रेन ए के अंदर 700 लोग हैं और ट्रेन बी के अंदर 910 लोग हैं, ठीक है। 20% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन जनरल कोच, ठीक है, जनरल कोचेस, ठीक है। तो 20%, 700 का 20% क्या है, जनरल कोच है। तो अभी आपको ये कैलकुलेट करने आना चाहिए, 700 का 20% क्या होगा, 700 का 20% कितना होगा, 140 होगा, यस। तो 140 लोग जनरल कोचेस में है, ठीक है। सो वन बाय वन हम सारा, अब ये जो टेबल है इसको फिल करेंगे, ठीक है। सो 20% पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन जनरल कोचेस, 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन ए, 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन एसी कोचेस, तो 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, ठीक है। तो 700 का 1/4 निकाल लो, कितना होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 1/4 टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए इन एसी कोचेस, एसी तो इधर है, ओके, हाँ, 4 × 1 = 4 और 3 कैरी होगा, 4 × 7 = 4 × 5 = 175, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब समझ जाना, मैं टेबल को फिल कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार टेबल फिल हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 23% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए। अब देखो 23 इज नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको 23% या तो अब यहाँ पे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे एग्जैक्ट डेटा निकालना है,
23% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन द स्लीपर क्लास कोचेस, स्लीपर मतलब ये वाला क्लास, 23%, 700 का 23, या तो आप ये कर लो 23/100, ये गया 7 3 21 161, मतलब ये भी जल्दी काम कर जाएगा। या तो जो मेथड मैंने बताया था 20% पहले निकालो 3%, वो हिसाब से करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। स्लीपर क्लास कोचेस, यहाँ तक का डेटा हो गया। रिमेनिंग पैसेंजर ऑफ ट्रेन आर इन द फर्स्ट क्लास, मतलब ये 140, 161, 175 को ऐड कर लो, -700 में से कर दोगे तो बचे हुए लोग फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे, तो वो कर लेते हैं। कितना होगा ये, 140 है ना, 140, 161, 175, ये हो गया 6, 476, 224 आ गया, तो 224 जो होंगे वो फर्स्ट क्लास। देखो ट्रेन ए का सारा टेबल फिल हो गया आराम से, ट्रेन ए का सारा टेबल फिल हो गया, यस। अब आते हैं ट्रेन बी पे, आगे की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोचेस इन बोथ द ट्रेन टुगेदर इज 480, मतलब एसी जो कोच कोच है वो जो है ये वाला पार्ट, इसमें कंबाइंड टुगेदर ये जो है मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी को मिला करके कितने हैं, 480 है। तो ए का तो पता है मेरे को 175, तो मैं 480 में से, 480 में से अगर 175 माइनस कर दूंगा आई विल गेट द वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3, यस। सो 3 3 0 5 जो होगा वो एसी कोचेस ट्रेन बी, ठीक है, समझ रहा है। 30% ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन बी इज इन स्लीपर क्लास कोचेस, 9 10 का 30% निकालना है, तो 9 10 का 30% इधर लिख रहा हूं मैं, 9 10 का 30% कट गया, ये भी कट गया, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 273, ठीक है। सो 273 स्लीपर क्लास कोचेस, समझ रहा है। 10% ऑफ टोटल पैसेंजर, 10% ऑफ टोटल पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी आर इन द फर्स्ट क्लास कोचेस, तो 9 10 का 10% कितना होगा, 91 होगा, वो फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे, ठीक है 91। रिमेनिंग पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी आर इन द जनरल क्लास कोचेस, अब 9 मतलब इन सबको ऐड करो और 900, 9 10 में से माइनस करोगे यू विल गेट द आंसर, तो ऐड कर लेते हैं। ये होगा 5 + 3, 5 1 5 + 1 6, ठीक है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन थोड़ा मैं लिख के कर देता हूँ, है ना, इधर ही कर लेते हैं, स्पेस नहीं है। 5 + 1 इज 6, 6 + 3 इज नथिंग बट 9, फिर होगा 0 और 9 ऐड, 9 ही होगा, 9 + 7 6 16 1, तो हो जाएगा ये 669, 669 को माइनस करना होगा 9 10 से, सो 9 10 -669, तो ये बचेगा 1, राइट, और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 241, काम हो गया। ये यहां तक सबको क्लियर है? तो एग्जाम में आपके ऐसे सेट में आपको देखना होगा कि कितने क्वेश्चन है, एक सेट में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो आपको ये सेट एक बार आपको समझ गया या आपने क्रैक कर लिया, आपने टेबल बना लिया, काम हो जाएगा अपना। अब ये दिखने में भी टफ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज पूरा लगा हुआ है इसके अंदर, और जो अभी हमने सीखा बेसिक बस उसी का एप्लीकेशन है, यस। तो अभी एग्जाम में क्या करना है, अभी तो मैंने यहाँ पे टेबल पूरा सॉल्व किया, आपको एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ना है यार, क्वेश्चन पूछा क्या है, मतलब टेबल तो आप ड्रॉ करो ही, बट उसके पहले, बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दी टेबल ड्रॉ करने के पहले क्वेश्चन पे जंप करो कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, किस फैशन में पूछा हुआ है। नहीं तो होगा क्या कि आपने पूरा टेबल बना लिया और मालूम पड़ा कि यार टेबल नहीं भी बना था तो भी काम हो जाता मेरा, ठीक है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को रीड करो एंड ऑप्शन भी देखो कितने दूर दूर है, अभी इसके अंदर ऑप्शन मैंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन फर्स्ट क्लास कोच ट्रेन ए, फर्स्ट क्लास ए का फर्स्ट क्लास है ना रेशो पूछ रहा है, एंड स्लीपर क्लास कोच बी, फर्स्ट क्लास एंड स्लीपर क्लास कोच बी, ठीक है। फर्स्ट क्लास में अब पीछे चलते हैं, जो टेबल ड्रॉ किया है, फर्स्ट क्लास ए कितना है, फर्स्ट क्लास ए है 224, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 224, राइट, इधर लिख लेते हैं 224, और स्लीपर क्लास बी, स्लीपर क्लास कहाँ पे है, बी, स्लीपर क्लास बी इधर है 273, है ना, तो ये कट जाएगा।
सेवन से देखोगे आएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा, और ये होगा 7 7 4 जा 28, तो 7 3 जा 21, 7 9 जा, तो 32:39 ये रेशो बनेगा आपका। समझ रहा है, ये क्लियर है? तो सिर्फ डेटा मैंने जो वहां पे अलाइन किया था उसी उठाकर, अब उसको उठाकर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है? तो स्लीप फर्स्ट क्लास ट्रेन है एंड स्लीपर क्लास ट्रेन भी। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल क्लास कोच इन बोथ दी ट्रेन्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन भी। अगेन परसेंटेज, ये क्या था? ये रेशो था, अब ये है परसेंटेज। पूछा टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल क्लास कोच ऑफ बोथ द ट्रेन टुगेदर, तो पहले तो वो निकालते जनरल क्लास दोनों ट्रेन का। जनरल क्लास है इधर, एक है 140, एक है 241, तो कितना हो जाएगा ये 1448 एंड ये 2+1 381, राइट? 381। क्वेश्चन क्या था मेरा? टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, टोटल, ओके, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन भी, मतलब 381 910 का कितना परसेंट है? तो 381 इज व्हाट परसेंट ऑफ 910, ये निकालना है अपने को, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे आप, अगर आप ये कैंसिल करके करने बैठोगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपको पता है 910 मेरा 100% है, 10% कितना होगा? 91। 10% क्या होने वाला है? 91। और ये अब मैं क्या करूंगा, इस 91 में मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा कि 381 तक वैल्यू मुझे पहुंचानी है। 91 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो जाके ये वैल्यू 381 के आसपास पहुंचे। अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये 361 पहुंच रहा है। अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड किया तो यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये 40% बन गया। मतलब 364 और 381 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये वैल्यू रफली 41 42 के बीच में आनी चाहिए, रफली। दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट इन द एग्जामिनेशन। अगर आप ये करते बैठ गए 381 डिवाइड बाई 9 10 × 100, ये बहुत सारे बच्चे करेंगे, जो कि भाई टाइम लेने वाला है, ये फिर ये कैलकुलेशन में टाइम लेगा, तो ये अपने को नहीं करना। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को ऐसे सोचोगे, ऐसे देखोगे तो काम बनेगा, ठीक है? अगेन डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शन, ऑप्शन अगर आपका दूर है, अभी मुझे अब समझ में आ गया ना, ये वैल्यू जो भी आंसर होगा 40% के थोड़ा सा आजू बाजू ही है। ऑप्शन देखो 40 के आजू बाजू वाला ऑप्शन कौन सा है, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, तो फिर बाकी दो में दिमाग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 सेकेंड होंगे दिमाग लग जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये सेट अपना इस तरह से सॉल्व करना है एग्जाम। अगर देखो सेट इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा, आपको ये मतलब समझना है कि, और ये आपको प्रैक्टिस से अपने यहाँ पे काम करके समझना होगा कि आपको ये एग्जाम में समझ में आया कि ये वाला सेट इजी है, ये वाला सेट डिफिकल्ट है, इसको पहले करना चाहिए था, इसको बाद में करना चाहिए था। बिकॉज आएंगे क्वेश्चन 10, मतलब 10 to 14 क्वेश्चन जो भी आएंगे, आपको उसमें से जो इजी टू मॉडरेट वाले उसको पिक करना है, बाकी छोड़ दो। इजी टू मॉडरेट पिक करना, बाकी छोड़ दो। बट अगर आप सभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो प्रॉब्लम है, बिकॉज एग्जाम पेपर सेटर ने भी उतना ध्यान दिया है, ठीक है? चलो पहला सेट अपना ये हो गया, कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं, ये क्लैट का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी मतलब हलवा लेवल पे एग्जाम है, जो अभी अभी हमने किया सेम टाइप का, और ये क्लैट में आया हुआ है, बताओ। और इसके बेसिस पे आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन दिए आए उन्होंने पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन तो मैं आराम से, मैं तो इसी को पहले अटैक करता एग्जाम में, ठीक है? 2023 में ये पूछा है, तो अगेन मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले तो डरना नहीं है, है ना, कि यार डर जाएंगे अभी कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। यार इसी टाइप के क्वेश्चन दे आर आस्किंग, तो अपने को एक्सेप्ट करके चलना है और अपने को वे आउट निकालना है, सिंपल, ठीक है? क्या बोल रहा है, द फाइंडिंग ऑफ ऑक्सफैम इंडियाज लेटेस्ट इंडियन डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 इंडिकेट दैट देयर इज एन सिग्निफिकेंट गैप इन दी अर्निंग बिटवीन मेन एंड वेमेन इन द केस ऑफ रेगुलर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया की बात हो रही है, रेगुलर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? द लोअर वेजेस फॉर सैलरीड वेमेन आर ड्यू टू 67% ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड 33% ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड द एक्सपीरियंस, ठीक है? लैक ऑफ एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है? द एवरेज अर्निंग इज 16,000 फॉर मेन एंड मेयरली 6,600 फॉर वेमेन इन अर्बन एरियाज, ठीक है? इन सेल्फ
एम्प्लॉयमेंट, ओके, द एवरेज अर्निंग ऑफ मैन 9,800 एंड एज अगेंस्ट 15,600 फॉर वेमेन इन द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, ओके, इन अर्बन एरियाज. तो ठीक है, ऑल्सो इन अर्बन एरियाज द एवरेज अर्निंग फॉर वेमेन फॉर मैन इज 900 एंड आर सिग्निफिकेंट हायर देन द वेमेन 5,700 इवन इन द कैजुअल एम्प्लॉयमेंट. एक कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम, तो यहां तक की जो स्टोरी है, ये स्टोरी में अपने को टेबल ड्रॉ करने का स्कोप दिख रहा है. तीन डिपार्टमेंट है, तीन मेजर पार्ट है. एक तो है आपका मैन, है ना, एक है आपका मैन, फिर है आपका वेमेन, ठीक है. तीन मेन चीज है. एक तो है आपका सैलरीड एम्प्लॉय, है ना, सैलरीड एम्प्लॉयज, ठीक है. सैलरीड एम्प्लॉय 16,000 मैन फॉर दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है एक, जिसकी वैल्यू दे के रखी है उन्होंने. मैन के केस में 60,000, 16,000, एंड इसके केस में 60,000, 6,600, ठीक है. द एवरेज अर्निंग ऑफ मैन इन मैन इज 19,800 अगेंस्ट 15,600 अगेन फॉर अगेंस्ट फॉर वेमेन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, जो कि है 19,800 यहाँ पे, और यहाँ पे है 15,600, ठीक है, ओके. लाइकवाइज देर इज अ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट एज वेल. कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का क्या डेटा दे के रखा उन्होंने, 19,000 फॉर मेन एंड वेमेन के लिए 5,700, 9,000 इट इज एंड 5,700. अपार्ट फ्रॉम द वीमेन हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज अलॉन्ग विद रिलीजियस माइनॉरिटी ऑल्सो कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेसिंग जॉब्स लाइवलीहुड एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट. द मीन इनकम फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स SC/ST. अभी एक और चीज ऐड कर दी उन्होंने, SC/ST पर्सन इन द अर्बन एरियाज हु आर रेगुलर 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 एम्प्लॉयमेंट इज 15,300 एज अगेंस्ट 20,000 नॉन SC/ST कैटेगरी, ठीक है. द एवरेज अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग वर्किंग इज 5,900 फॉर नॉन SC/ST, 10,500 फॉर STSC. एवरेज अर्निंग ऑफ द SC/ST कैजुअल वर्क. बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है, दो कैटेगरी और ऐड कर दी है. अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है SC/ST, और यहाँ पे हम करते हैं नॉन SC/ST. तो SC/ST में, हाँ, पहला डेटा क्या दिया था उन्होंने, अर्बन एरिया हु आर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 15,300 एंड 20,300 रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इज, ओके, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट 15,000 फॉर बिलोंगिंग फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू नॉन SC/ST कैटेगरी, ठीक है. तो बेसिकली उन्होंने ये थोड़ा ध्यान में रखना है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो ये डेटा होगा 15,300, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ये है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट 20,300 फॉर नॉन SC/ST, ठीक है. फिर बोल रहा है कि एवरेज अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स इज 15,900 फॉर नॉन SC/ST एंड 10,500 फॉर SC/ST. किसका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आप पहला वाला टेबल की बात कर रहे हैं वो, ठीक है. 15,900 जो है वो आपका जाएगा, द एवरेज अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर 15,900 फॉर नॉन SC/ST एंड 10,500 फॉर SC/ST. तो ये होने वाला है 15,900 नॉन SC/ST. तो ये थोड़ा उल्टा दे के रखा है डेटा, ठीक है. और नॉन एंड 10,500 फॉर SC/ST, तो ये ऊपर आएगा 10,500, है ना. सी, मैं डेटा कैसे फिल कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है, और कैसे कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो भी मैं एक्सप्रेस करके बता रहा हूँ कि यहाँ ये पॉसिबिलिटीज है. एवरेज अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर 15,900 SC/ST नॉन SC/ST. तो ये नॉन SC/ST वाले में जाएगा, नहीं तो हम क्या कर लेंगे कि उसको SC/ST में डाल देंगे तो प्रॉब्लम होगी. एंड 10,500 फॉर SC/ST, तो वो 10,500 यहाँ पे हो गया. द एवरेज मंथली अर्निंग फॉर द SC/ST वर्कर इन कैजुअल वर्क. द एवरेज मंथली अर्निंग, जो एवरेज मंथली अर्निंग है SC/ST वर्कर इन कैजुअल वर्क इज 8,000 बिलो द करस्पॉन्डिंग फिगर 8,600 फॉर नॉन SC/ST.
तो नॉन के लिए कितना है? 8,600, और वो भी कैजुअल वर्क है ना, कैजुअल वर्क है। हाँ कैजुअल वर्क, 1 मिनट। तो ये हो गया आपका 8,000। फाइनली हमारा डेटा टेबल बन गया। ये टेबल बनाना ये एक चैलेंज है आपके लिए इनिशियली, बट इसमें तो डायरेक्टली डेटा दिया हुआ था तो फटाफट रखना था। अब ये समझना कि ये टेबल को ड्रॉ कैसे करना है, ये टेम्पलेट क्या होना चाहिए, ये आपका प्रैक्टिस का पार्ट है। कि मैंने ऊपर देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर कैजुअल वर्क रखा, यहाँ पे मैन वेमेन SC ST नॉन SC ST, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने राइट टेम्पलेट राइट तरीके से नहीं बनाया तो फिर क्वेश्चन खराब करोगे आप। SC ST वाला पार्ट एक बार वापस देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं की है हमने। 15,300 रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इज 15,300 एज अगेंस्ट 20,300 फॉर पर्सन हु बिलोंग टू नॉन SC ST। 15,300 SC ST, 20,300 तक एवरेज अर्निंग ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज 15,900 फॉर नॉन SC ST एंड 10,500 फॉर SC ST। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, फिर ये क्वेश्चन पूछा है, फिर ये क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है ना, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा बट अभी नहीं, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा। बाद में मतलब मेरा राउंड 2 होगा ये, पहले मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है ना। क्या बोला है? द ऑफ ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज द अर्निंग ऑफ नॉन SC ST इज व्हाट परसेंट मोर देन SC ST वर्कर। सिंपल, अगेन फिर से परसेंटेज है यहाँ पे। जो एप्लीकेशन अभी हमने सीखा स्टार्ट में आधे घंटे, वो एप्लीकेशन अब यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, एनीवन कैन गेस द आंसर, सॉल्व करोगे इसको? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, बेसिकली क्या पूछ रहा है? द अर्निंग ऑफ नॉन SC ST वर्कर इज व्हाट परसेंट, मतलब नॉन SC ST वो है कितना परसेंट ज्यादा है देन SC ST, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन में क्या आएगा? SC ST इन 200। ठीक है, और कौन सा? अर्बन एरिया, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है ना, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। हाँ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नॉन SC ST SC ST। देखो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ये वाला पार्ट है, ये है 15,300 और ये है कितना ज्यादा है? 5,000 ज्यादा है, 5,000 ज्यादा है ना, है कि नहीं? 20,300 माइनस 15,300, ये वैल्यू देखो इधर, ये वैल्यू 20,300 माइनस 15,300, तो 20,300 माइनस 15,300 अपॉन SC ST कितना है भाई? 15,300 इंटू 100, ये डिफरेंस कितना है? 5,000 अपॉन 15,300 इंटू 100। देखो ये क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो हो जाएगा बट टाइम लगेगा। तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि यार ये 15,000, 5,000 है ऊपर की वैल्यू और नीचे 15,000 है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी करूं तो ये 1/3 होगा, राइट? 1/3 कितना होता है? 33.33, राइट? मतलब अगर आप ये 15,300 है, इसका 10%, 15,300 कितना होगा? मेरा 100% होगा, मैं ऐसे भी समझ लूँ। अगर 10% कितना होगा? 15,30। तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा? 45 के प्लस ही जाने वाला है, मतलब 45,000 के ऊपर जाएगा। अपने को चाहिए कितना? 5,000 बनाना है, देखो बनाना कितना, 5,000। तो ये तो पक्का है कि 30 के ऊपर ही है ये, पर थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो आंसर क्या बनेगा? 30 से 35 के बीच में होगा ये। देखो ये तो वैल्यू बिल्कुल नहीं हो सकती, 15% तो कहीं से भी नहीं हो सकता, लेस देन 35 से ज्यादा, या तो यहाँ पे आप सी और डी में कंफ्यूज होने का स्कोप है। तो आप ये देख लो कि 35% कितना हो जाएगा, 33%, 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा? 33.33। आप इसको अगर करने जाओगे प्रॉपर तरीके से, है ना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो भाई कर लेना। क्या है कि क्वेश्चन गलत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में नहीं चाहिए अपने को। ये गया 2-0 गया, अब आपको 5,000 डिवाइड बाई 153 करना है, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। ठीक है, तो 5,000 को डिवाइड बाई 150 कर लेना, आ जाएगा इसके बीच में 33 के आसपास परसेंटेज में बनेगा वैल्यू। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी। इसलिए हमने बोला कि अगर आपका थोड़ा सा परसेंटेज अच्छा होगा ना तो ये क्वेश्चन को आप पहले नेल करते और ये राइट भी रहता आपका। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट क्वेश्चन आर इजी एंड जिसको मैं लेके भाग लू। आ जाइए अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। वैसे तो आप पहले वाला भी कर सकते हो बट ये क्वेश्चन में क्या है, 5 चीजें सॉल्व करनी है, तो इसको आप लास्ट में सॉल्व करो, आप इस पे आ जाओ।
क्वेश्चन पे, ऑफ दोज कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इफ मैन एवरेज अर्निंग वॉज डिपॉजिटेड एट रेट ऑफ 16% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, 20 साल के लिए डिपॉजिट किया है, इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट SC/ST वर्कर मस्ट डिपॉजिट देयर एवरेज अर्निंग टू अर्न द सेम अमाउंट एज अ मैन इन 20 ईयर्स। तो कुछ नहीं, आपसे 16% सिंपल इंटरेस्ट किसका है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, तो 60% परसेंट है तो अपॉन में 100 कर देते हैं इनटू 20 ईयर्स, ठीक है। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का डेटा देख लेते हैं, मैन इन द केस ऑफ मैन कितना था, हमने ड्रॉ किया था ना, मैन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट 9000 है, ठीक है, 9000, तो ये होगा 9000 इन हाउ मेनी ईयर्स एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट SC/ST वर्कर मस्ट डिपॉजिट देयर एवरेज। तो इक्वेट कर दो, इक्वल टू सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है तो 16 डिवाइड बाय 100, और टाइम पीरियड पूछ रहा है, टी अपने को निकालना है, और किसका बात कर रहा है, SC/ST वर्कर है वो, है ना, SC/ST वर्कर, SC/ST वर्कर, ठीक है, सो विच इज नथिंग बट इन द केस ऑफ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इट इज SC/ST वर्कर इधर है, इट इज 8000, तो 8000 ये वाला वैल्यू लेंगे अपन, ठीक है, तो ये होगा 8000, तो अपने को टी निकालना है टाइम पीरियड, बस सॉल्व कर लो इसी को, देखो ये तो उड़ गया राइट, और ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो भी गया, तो ये हो गया 180 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू टी, 16 यानी 2.5, ऑप्शन बी, यस, ये क्लियर हो गया ना। अभी एक क्वेश्चन और है इस सेट के बेसिस पे, तो आपको 3 क्वेश्चन दिया एक सेट पे, तो आपको 3 में से, ऐसा नहीं कि जो भाई पहला दिया उसको ही सॉल्व करना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 में से जो पहले इजी है पहले उसको अटैक करूं मैं, राइट। ये एक क्वेश्चन और है इस सेट के बेसिस पे, एवरेज क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, अपने को ये 5 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट बताना है अपने, ठीक है। विमेन्स एवरेज अर्निंग इन अर्बन एरिया इन कैजुअल वर्क इज 30% लोअर देन दैट ऑफ मैन, देखो एवरेज अर्निंग बोल रहा है किसका, वेमेन का, कैजुअल वर्क में 30% कम है कंपेयर टू मैन, ठीक है, कैजुअल वर्क वेमेन का कम है 30%, ठीक है, कैजुअल वर्क इधर है ना, वेमेन है 5700 और ये है 9000, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3300, ठीक है, 3300 क्या बोला हुआ है, देन मैन, देन दैट ऑफ मैन, तो दैट ऑफ मैन इज नथिंग बट डिवाइड बाय 9000, तो ये कितना बड़ा है, अर्निंग कैजुअल लेस देन लोअर देन 30%, लोअर देन 30% है क्या, ये ज्यादा है ना उससे, 30% से ज्यादा है, इसको इंटू 100 करोगे ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो कितना आएगा, 9327, फिर भी 6 बचेगा, 36% के आसपास जाएगा, तो लोअर देन 30% बोल रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, समझ रहा है ना कि क्या कर रहा हूं मैं, कैजुअल वर्क के अंदर वुमेन की अर्निंग बोल रहा है कि 30% कम है कंपेयर टू मैन, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, द एवरेज अर्निंग ऑफ अर्बन एरिया इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नियरली 2.5 टाइम्स दैट ऑफ द अर्निंग ऑफ द मैन, मैन की जो अर्निंग है अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो नियरली 2.5 टाइम्स दैट ऑफ द मैन, मैन बेसिकली मैन अपॉन वेमेन देखना है कितना आ रहा है इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इधर है, मैन है 16000 एंड ये 16600, सो ये हो गया 16000 और ये 6600, कट गया ये 2 8 जा 0, 2 3 जा 2 3 जा, 80 डिवाइड बाई 3, 2 टाइम्स आएगा 66 पॉइंट समथिंग आएगा, बोल रहा है कि नियरली ना, दे हैव यूज द वर्ड नियरली, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 है, देखो 2 पॉइंट समथिंग तो आने वाला है, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है, आगे का भी चेक करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा वो कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। इन कैजुअल वर्क वेमेन अर्न मोर देन दैट ऑफ द रूरल एरिया इन द अर्बन एरिया, रूरल एरिया, यार रूरल एरिया के बारे में तो बात नहीं हुई है ना,
तो ये तो वैसे भी बाहर होगा। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द रूरल एरिया, राइट? सो दिस विल बी आउट। लास्ट क्या बचा? द डिफरेंस इन अर्निंग ऑफ द मेन एंड वेमेन इन रेगुलर सेल्फ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज इज 3,500। ओके, डिफरेंस निकालना है मेन वेमेन का रेगुलर सैलरीड में। रेगुलर सैलरी दर है मेन वेमेन, डिफरेंस कितना आने वाला? बी है, ये 90,800 है, ये 15,600 है। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी बाहर, 3,500 नहीं होगा ना। कितना होगा डिफरेंस? 19,800 है और ये 15,600 है, 4,200 होने वाला है। आंसर क्या बनेगा इसका? बी, बॉम्बे। ये आपके एक्चुअल क्लैट का क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? टुडे वी हैव लर्न दी बेसिक कैलकुलेशन एंड वी हैव ड्रिल मोर ऑन द परसेंटेज। वी गॉट टू नो हाउ टू क्रिएट द टेम्पलेट, हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, विच क्वेश्चन वी शुड जम्प फर्स्ट इवन इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है? आपको पैराग्राफ बड़ा बड़ा ही आने वाला है, तो वो देख के डरना नहीं है। यू हैव टू रीड द पैराग्राफ, 2 मिनट दो और ये डिसाइड करो, 1 से 2 मिनट, 1 मिनट पढ़ के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो 1 से 2 मिनट आपको क्वेश्चन रीड करके समझने में जाएगा, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो, ठीक है? बाकी जो जो मैंने ट्रिक, शॉर्टकट्स, टेक्निक बताई आपको सोचने का, क्वेश्चन ऑप्शन से सोच सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से सोच सकते हो, ठीक है ना? क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल देख के सोचो, ये सब आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप इस वाले सेक्शन में अच्छा कर पाओगे। और सारा अटेम्प्ट करने के बारे में मत सोचना, सारा अटेम्प्ट अगर टाइम है कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, बट सब करना के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ, वो नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड।